वहां मर गए ये सारे नौकर। आपके ड्राइवर है ना, वो गोपाल का, उसका मैं भतीजा। अचानक से उनकी तबीयत बिगड़ गई। वो जब तक ठीक नहीं होते मैं आपकी गाड़ी चलाई। गोपाल काका आप? नमन, सुनो भाई घर पर ही क्या? हाँ हाँ, पर आप यहाँ कौन आए? नानू बहन कोई नहीं। सोमू भाई, वो मुझे यहाँ से फोन आया था कि मुझे कुछ दिनों के लिए काम पर नहीं आना, इसके लिए खबर लेने के लिए चला आया कि आखिर सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ गोपाल काका, यहाँ सब कुछ ठीक है। हे भगवान, सोमू भाई ने गोपाल काका को देख लिया तो सारा प्लान गड़बड़ हो जाएगा। अनुबेन, किससे बात कर रही थी तुम? शायद कोई एड्रेस भूल गया था, मैंने सही एड्रेस बता दिया। अच्छा ठीक है। अच्छा तो आप यहाँ हैं, जल्दी से बता दीजिए कि आपको इन दोनों में से क्या चाहिए, ये खंजर या ये पैसे? जल्दी बोलिए, टाइम नहीं है मेरे पास। ऐसे हाथ मत जोड़िए मेरे सामने, या तो चुप रहने की कीमत ले लीजिए या तो मैं इस खंजर से आपको हमेशा हमेशा के लिए चुप कर दूंगी। फैसला आपको लेना है। मुझे आप बुजुर्ग लोगों की यही समझदारी हमेशा अच्छी लगती है, लेकिन हाँ, मेरे जाने बगैर अगर आप घर में आके किसी को कुछ भी बताने की कोशिश की तो मुझे मजबूरन इस खंजर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन नानू बहन, ये सब आप क्यों कर रही हो? और मेरी नौकरी? चुप रहना भी तो एक काम ही है ना काका, और उसके आपको मैं पैसे दे रही हूँ। जितनी आप मेहनत करते हैं उसके दुगुने पैसे मैं आपको घर बैठने के दे रही हूँ। लेकिन ये तो जस है जिद्दी और बस बुद्धू निकला। ओ काका, क्यों सुबह सुबह दिमाग का दही कर रहे हो? प्यार से समझा रहे तो ले लो ना, पर ना ख से खंजर और ब से बंदूक, ऐसे भी कई तरीके हैं आपको ठिकाने लगाने के लिए। हमारी वालड़ी, जब तक ये प से प्रकाश है ना, ट से टेंशन नहीं लेने का। चल ये सब छोड़, बता आगे क्या करना है। सो गई? हाँ
कोई बात नहीं, मैं इसे उठा के ले जाती हूँ। श्रवण जी बस आने वाले हैं। रितिया रहने देना, देख तो कितनी गहरी नींद में है। तू श्रवण से कह दे कि वो कल सुबह मिलेगा। अरे नहीं दी, वो नहीं मानेंगे। वो क्या है ना कि जब तक श्रवण जी अपनी इस गुड़िया की शक्ल ना देख ले उन्हें नींद नहीं आती। रितिया वो मैं बहुत अकेला सा फील करती हूँ, तो प्लीज प्रियल को इधर ही रहने दे। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं श्रवण जी को समझा दूंगी। उनसे कहती हूँ कि वो यहीं आके प्रियल को देख ले। थैंक यू सो मच। विद्या। हाँ दी। मुझे तुझसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी थी। हाँ बोलो ना। देख जो मैं कहने जा रही हूँ ना, तो प्लीज ओवर रिएक्ट मत करना हाँ, क्योंकि मैं जानती हूँ मुझे जो भी कहना है ना वो सिर्फ और सिर्फ तू ही समझ सकती है और कोई नहीं। दीप बात क्या है बताओ तो सही। तू तो जानती ही है ना कि मैं इतने कम समय में रियल के कितना क्लोज आ गई हूँ। इनफैक्ट अब तो प्रियल ही मेरी दुनिया है। मैं जानती हूँ दी, और सच कह रही हूँ मैं बहुत खुश हुई देख के। आई नो, वैसे तो प्रियल मुझे माँ ही कहती है और मैं भी उसे अपनी बेटी ही मानती हूँ, पर आई विश कि दुनिया के लिए भी मैं प्रियल की माँ और वो मेरी सगी बेटी बन जाए। क्या मतलब, मैं कुछ समझी नहीं थी। सत्या मैं वो सत्या मैं सही मायने में प्रियल की माँ बनना चाहती हूँ। मैं प्रियल को लीगली अडॉप्ट करना चाहती हूँ। और वैसे भी क्या फर्क पड़ता है, हम तो एक ही घर में रहते हैं ना। Doesn't make a difference, right? What's wrong with you, दी? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? रितिया तुम गलत समझ रही हो। दी प्लीज, मैं जानती हूँ तुम मेरी बेटी से बहुत प्यार करती हो, पर तुम सिर्फ उसकी मासी हो। और एक बात मैं तुम्हें याद दिला दूँ, अडॉप्ट उन बच्चों को किया जाता है जिनके माता पिता नहीं होते। और मेरी प्रियल के माँ बाप अभी जिंदा है। मेरी बेटी अनाथ नहीं है दी। क्या तू मुझे गलत समझ रही है? मैं ऐसे प्लीज दी, दी। तुमने सोचा भी कैसे कि मैं मेरी बच्ची किसी और को दे दूंगी? क्या तू खामोखा मेरी बात को? बस बहुत हो गया, हो गया। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम ऐसा कैसे कह सकती हो। हे भगवान, दिखने में तो एकदम गाय जैसी है, पर तेवर तो देखो
मुझे नहीं लगता कि वो प्रियल को हमें गोद लेने देंगी। तो क्या करें? जब काम सीधे रास्ते से ना हो तो रास्ता टेढ़ा चलना चाहिए। करें। और अब मैं बिल्कुल वही करूंगी, चाहे जो हो जाए। दुनिया और कानून की नजर में मैं प्रियल की माँ बन के रहूंगी। साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।